हेलो गाइस, आज हम पंच रतन दाल का ढोकला बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पंच रतन दाल का ढोकला बनाना। पंच रतन दाल का ढोकला बनाने के लिए ये हमने दालें ली हैं। ये हमने मूंग धुली हुई 2 चम्मच दाल ली है, अरहर की 2 चम्मच दाल ली है, और मसूर की दाल हमने 2 चम्मच, और उड़द धुली हुई हमने 2 चम्मच, और चने की भी हमने 2 चम्मच। ये मैंने बड़े चम्मच लिए हैं दाल के, 2-2 चम्मच, और ये लगभग पूरी 1 कटोरी दाल होगी। तो इस दाल को हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के पहले से ही रख दिया है। और ये हमने कुछ मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, और ये हमने 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने सरसों के दाने, और 1 छोटी कटोरी हमने केचप सॉस ली है, 2 हरी मिर्च और 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसके हमने 4-5 टुकड़े कर लिए हैं। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम दाल को पीस लेंगे। ये मैंने दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, और इसका हमने पानी निकाल लिया है। अब मैं इसे मिक्सी जार में पीस लूंगी। और साथ ही मैं ये अदरक के टुकड़े इसमें डाल दूंगी, और हरी मिर्च के मैं 2 टुकड़े कर दूंगी, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने पानी डाल लिया है, और इसका मैं पीस कर पेस्ट तैयार कर लूंगी। और ये हमारी दाल अच्छे से पीस कर तैयार हो चुकी है। अब मैं इस दाल को एक बाउल में निकाल लूंगी। ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें इस दाल को निकाल लूंगी मैं। और अब मैं इस मिक्सी के जार में 1/2 कटोरी पानी डालूंगी, और इसे अच्छे से हिला लूंगी, और ये पानी मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैं अच्छे से फेंट लूंगी दाल को। मैं दाल को इससे फेंटूंगी। जितना हम दाल को फेंटेंगे उतना ही फ्लफी हमारा ढोकला तैयार होगा। इसमें हम इनो और मीठे सोडे का प्रयोग नहीं करेंगे। दाल को हम 5 से 6 मिनट के लिए इसी प्रकार से फेंटेंगे। ये हमारी दाल अच्छे से फिट चुकी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हमने पानी इधर गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। हम कढ़ाई में ढोकला बनाएंगे। अब मैं इसमें ये मसाले मिक्स कर देती हूँ, और इसे फिर से मैं 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लूंगी। ये हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है, रख दूंगी। और ये मैंने बर्तन लिया है, मैं इस डब्बे में ढोकला तैयार करूंगी। इसमें मैंने 1/2 चम्मच ऑयल डाल लिया है, और इसे मैं अच्छे से लगा लूंगी इसमें। ये हमारे डब्बे में ऑयल अच्छे से लग चुका है। अब मैं ये पेस्ट इस डब्बे के अंदर डालूंगी। मैंने ये पेस्ट सारा इस डब्बे के अंदर डाल दिया है। और इसे मैं हाथ से हिला लूंगी, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है इसमें। और ये मैंने एक स्टैंड लिया है, स्टैंड को मैं पानी के अंदर रखूंगी, और ये मैं इसमें ये ढोकला रख दिया है।
और इसे मैं प्लेट से ढक दूंगी। 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैं पकने दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए मैं गैस की फ्लेम हाई रखूंगी, फिर इसकी गैस मैं स्लो रख दूंगी। 1 मिनट हो चुका है, अब मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर देती हूँ। तो आइए चेक करते हैं, हमारे ढोकले को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये हमारा ढोकला देखने में पक चुका है। अब मैं एक चाकू की नोक से चेक करूंगी और ये बिल्कुल साफ चाकू निकला है। ढोकला हमारा तैयार हो चुका है, इसको मैं बंद कर दूंगी और अब मैं इस ढोकले को बाहर निकालूंगी एक कपड़े की मदद से और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। ये हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है, छेड़े कट कर देती हूँ इसकी। एक प्लेट में निकाल लूंगी मैं। और ये बिल्कुल आसानी से निकल चुका है, इसे मैं साइड में कर देती हूँ और अब मैं इसके पीसेस कट कर लेती हूँ। और ये देखो ढोकला हमारा कितना अच्छा बना है, इसके मैं पीसेस अलग कर दूंगी बिल्कुल। ये हमारे सारे पीसेस अलग हो चुके हैं और बिल्कुल बर्फी के जैसे कटे हैं हमारे ये पीसेस। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। लगभग 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये सरसों के दाने डालूंगी। मैंने इसमें से आधा सरसों के दाने डाल दिए हैं और आधा चम्मच मैंने बचा लिए हैं। फिर मैं इसमें ये ढोकला डाल दूंगी। मैंने इसमें से आधा ढोकला बचा लिया है और आधे को मैं इसमें फ्राई करूंगी और इसे मैं हिलाऊंगी। ये हमारा ढोकला खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होएगा। अब मैं इसकी ये साइडें चेंज करूँगी। ये देखो कितने अच्छे से सिक रहा है हमारा ढोकला। और ये हमारा ढोकला तैयार हो चुका है, गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी मैं। ढोकला तैयार है, अब हम इसको भी इसी प्रकार से केचप सॉस के साथ फ्राई करेंगे। इसमें ये ऑयल थोड़ा सा बच गया है, इसी ऑयल में हम दूसरा ढोकला फ्राई करेंगे। ये मैं बची हुई सरसों के दाने इसमें डालूंगी। पहले इसको मिक्स करो अच्छे से। इसे मिक्स करूंगी मैं ढोकले को। अब मैं इसमें जो मैंने एक छोटी कटोरी केचप सॉस ली है, ये केचप सॉस डालूंगी इसके अंदर।
और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। और ये हमारा केचप सॉस वाला ढोकला तैयार हो चुका है, इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी, गैस से बंद कर दूंगी मैं। ये हमारा केचप सॉस वाला भी ढोकला तैयार हो चुका है, ये दोनों दाल दोनों ढोकले तैयार हो चुके हैं, साथ में हमने केचप सॉस भी रख दी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।